डॉक्टर, एक्चुअली हमें आभा सेना से मिलना था। जी कहिए, मैं ही हूँ डॉक्टर आभा। मैम ये आपकी फाइल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? शर्म भी नहीं आई तुम्हें? देखो, हमें कोई बहाना नहीं सुनना। हमें बस इतना बताओ, तुमने अमोली की झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्यों बनाई? ये क्या चल रहा है? मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे। एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? बात इतनी बड़ी है डॉक्टर कि इस लड़की की वजह से हमारा घर बिखर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नाम से ऐसे फ्रॉड करने की? मैम मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। माफी की बात बाद में, पहले ये बता ओरिजिनल रिपोर्ट्स कहाँ है? मैम मैं अभी देती हूँ। चलिए। ये देखिए डॉक्टर, तुम जानती हो इस झूठी रिपोर्ट की वजह से हमारे पति सवालों के घेरे में। और डॉक्टर, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। ये सब देखने के बाद मैं सुमन को एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकने दूंगा। सुमन, सुमन, शिखर। ये तो गेम ही पलट गया। मैं सुमन को इस घर से दूर नहीं करना चाहता था, मुझे शिखर को रोकना होगा। सुमन, सुमन, सुमन कहाँ चली गई? सुमन ऐसी हालत में कहाँ जा सकती है? एक मिनट, हम आते हैं। जी। हे माता रानी, आज आपकी वजह से सच सामने आ गया है। बस ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सुमन का पूरे घर में कुछ पता नहीं है। कहाँ चली गई सुमन? आप लोग सुमन को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ी देर पहले ऊपर बिग्बी के कमरे में बिग्बी के साथ थे, पता नहीं कहाँ चली गई। सच बताइए अंशुमन जी, मेरी सुमन कहाँ है? मेरा यकीन मानो शिखर, मैं खुद परेशान और इस हालत में बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई कि मैं भी नहीं जानता। आखिर सुमन गई कहाँ? ये नौटंकी कहाँ चली गई? हमें सबका ध्यान उससे हटाकर खुद पे लाना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो क्या गुल खिला दे। क्या हुआ अमोली? हमें बहुत हमारे बिठाना। देखो बेचारी को इस हालत में कहाँ देना पड़ रहा है, और ये सब ना उसके कारण है। जो पेट से हो उसे इतना तनाव दिया जाएगा तो यही ना होगा। नंदनी उठाओ इसे, अमोली चलो तुम यहाँ आराम करो। अरे डॉक्टर, कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस सुमन को अचानक क्या हो गया? सुमन कहाँ चली गई थी तुम? हम सब यहाँ कितने परेशान थे पता है तुम्हें? अंशुमन जी, वो घर में हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे तो बाहर गार्डन में खुली हवा खाने चले गए थे बस। हाँ सुमन, लेकिन तुम्हें बता कर जाना चाहिए था। देखो शिखर जी जो आए हैं और नाना जी आए हैं तुमसे मिलने। हाँ नाना जी। खुश रहो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी।
भाई आप आने वाले थे और आपने हमें बताया भी नहीं। बताया तो तुमने भी बहुत कुछ नहीं है सुमन। बहुत कुछ बताना है भाई। वैसे आप अमोली से मिले? देखिए ना, दर्द से कितनी परेशान है बेचारी अमोली। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत पेट दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से। तो अमोली तुम यहाँ खड़ी क्यों? आओ बैठो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आओ। अरे अरे अरे, मदद के नाम पे जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तुम, हैं? मन में बदला का भाव उमड़ रहा था। एकदम सही कहते हैं लोग, सही कहते हैं कि एक बार ना दुश्मन का साथ ले लो, लेकिन सौत का साथ बिल्कुल मत लेना। दीदी क्या बोल रही हैं आप? अरे हटो जाओ तुम, हैं? तुम्हारी मदद पे ना हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। आओ अमूल्य, आओ। रुक जाइए बड़ी माँ। हमें लगा कि अमोली को इस तरह की तकलीफ हो सकती है, इसलिए हम अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर आए। आ जाइए डॉक्टर। इलाज और देखभाल चल रहा है मामी, अब बस आप देखते जाइए। आज अमोली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वैसे इस घर में दो दो मेडिकल स्टूडेंट हैं, लेकिन अमोली को तो हम पर भरोसा ही नहीं, इसलिए हम इन्हें अपने साथ लेकर आए हैं। इन्हें तो तुम जानती होगी ना, डॉक्टर सिन्हा। नहीं नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है, बस हल्का सा पेट में दर्द कर रहा था, अभी हम ठीक है। हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं, आप इन्हें बोलिए ना जाने के लिए। अरे अमोली, अमोली तुम्हें तो इस डॉक्टर पे बहुत भरोसा है ना, और वैसे भी भूलो मत, तुम राय बहादुर खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है ना, और इस बच्चे को लेकर हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। क्यों बड़ी माँ? ये डॉक्टर नहीं को लाकर तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करना चाहती हो, है लड़की? हमको ना समझ में नहीं आता है कि ये सब दिखावा करके तुमको कौन सा सुख मिल जाता है। रुक जाओ शिखर, उसे करने दो जो वो कर रही है, जरूर कुछ बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी माँ पता नहीं क्यों आपको ये सब दिखावा लग रहा है, लेकिन हम तो बस इतना चाहते हैं कि अमोली की अच्छे से देखभाल हो। मुझे भी लग रहा है सुमन बिल्कुल सही कह रही है। अब बड़ी माँ देखिए ना कैसे अमोली की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, और वैसे भी इस हालत में तो बार बार चेकअप होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंशुमन जी। अमोली वैसे तुम जानती हो ऐसी हालत में औरत के शरीर में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ब्लड सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर आप अमोली के ब्लड सैंपल ले लीजिए। आओ। सुमन तुम खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम खुद भी ये ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकती हो, इससे तुम्हारे डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड आई नो कि तुम ये काम अच्छे से कर सकती हो। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है,
अगर हम आपके सामने अमोली के ब्लड सैंपल ले लेंगे तो अमोली का हम पर विश्वास भी बढ़ जाएगा। आओ, तुम्हारी सुमन दीदी तुम्हारे ब्लड सैंपल लेगी। हमें कोई कानून नहीं देना, आप छोड़िए हमारा। अमोली, हमने कहा हमारे साथ चलो, चलो अमोली। नहीं, छोड़िए हमें। अमोली, हमने कहा ना ब्लड सैंपल की बहुत जरूरत है। चुप, तुम बहुत गलत कर रही हो सुमन। अच्छा, आपसे इतने जल्दी तुम पर आ गई। ब्लड सैंपल देना है, चलो। पर तुम्हें नहीं जाना डॉक्टर के पास, कोई खून नहीं देंगे। अमोली, बस ये तो एक नॉर्मल सा चेकअप है, हम पर भरोसा रखो। आओ। नहीं सुमन, सुमन सुमन, अमोली चेकअप नहीं करवाना चाहती तो उसके पीछे क्यों पड़ी हो, फोर्स क्यों कर रही हो? तुम माँ नहीं बनने वाले हो ना नंदन, तुम नहीं समझोगे। और प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहो। अमोली, ब्लड सैंपल देने चलो। हमें नहीं देना अपना खून, हमने कहा ना आपको, छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए, छोड़िए। अरे अमोली, अरे कोई बताएगा हमको कि क्या चल रहा है यहाँ पे? सुमन बेटा, ये सब चल क्या रहा है? ये डॉक्टर, ये चेकअप, ये सब हो क्या रहा है? दादाजी, आपने देखा ना कैसे अमोली हम सबके सामने से भाग गई? वो हम सबसे बस झूठ बोल रही है और कुछ नहीं। एक मिनट, ये देखिए अंशुमन जी, ये है अमोली की असली सोनोग्राफी रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अमोली प्रेग्नेंट नहीं है। वही पुराना राग आना अपना, छे, तुम्हारा ना मनसा हम अच्छे से पूछते हैं। अयो दादा, हमको तो ये जंगली के मनसा पे शक हो रहा है बड़की समधन जी। सुमनिया, हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि ये लबरी इतनी बड़ी झूठी निकलेगी। बताओ भला, सबको बेवकूफ बना दी। सुमन तो वाकई चातर निकली, यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है मोदी, इससे पहले जेल की हवा खानी पड़ जाए। आप जांच कराने से इतना डर क्यों रही हैं अमोली भाभी? जांच के साथ साथ आपका इलाज भी कर देते, क्यों? सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में डॉक्टर आभा सिन्हा का नाम लिखा हुआ है जो ये बनकर आई थी, जबकि असली डॉक्टर आभा सिन्हा ये है। इनकी आईडी और प्रिस्क्रिप्शन लेटर चुरा के इनकी ही नर्स ने पैसों के लिए गलत रिपोर्ट बनाई अमोली के कहने पर। क्यों डॉक्टर, हम सही कह रहे हैं ना? जी, आप सही कह रहे हो। झूठ को सच की तरह परोसने के लिए इस अमोली ने उस नर्स का सहारा लिया। अगर तुमने बाहर जाके ये बताया कि हम पेट से नहीं है, भूल जाना तुम्हारा कोई परिवार भी है, समझी? चलिए 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 च
और एक मिनट, और ये है डॉक्टर आभा सिन्हा का मेडिकल सर्टिफिकेट। हमने अंशुमन जी से वादा किया था और वो वादा आज हमने पूरा कर दिया है। अमोली ने हमारे अंशुमन जी पर झूठा आरोप लगाया था। हमारे अंशुमन जी अब निर्दोष है, हमने तो आप सबसे पहले ही कह दिया था, हमारे अंशुमन जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। इस सब की वजह से मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मेरे पीठ पीछे मेरी नर्स ने ये सब कुछ कर दिया। माफी मांगो सबसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कोई भी नर्स ऐसा नहीं करेगी, मैं खुद इसका मेडिकल लाइसेंस रद्द करवा दूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं करूंगी अब से, प्लीज मैम। अब ये ड्रामा बंद कर दो और चलो यहाँ से। इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। देखा, देख लो, जिसकी गृहस्थी उजाड़ के अपना दामन भरना चाहती थी ना तुम, वही तुमको बचा रही है। अरे हमें भी पाप का भागीदार बना दिया, इतने बड़े पाप का भागीदार। हम समझ नहीं पाए कि हमारे घर को तोड़ने वाली ये सुमन नहीं ये है। लड़की ऐसी नहीं मारेगी। नंदन, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का तुमने कैसे सोचा? अब जाके समझ में आया, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर कट हुआ था ना, वो इसी ने कट किया था ताकि सोमन को नुकसान पहुंचाए और इस पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से सुमन की जान जा सकती थी। वो ये बिल्कुल नंदन, रुको नंदन, नंदन तुम उस पे हाथ नहीं उठाओगे। नंदन क्यों किया तुमने ऐसा? इस परिवार की बेटी बनाया, इस परिवार की बहू होने का दर्जा दिया, अपनी पलकों पे बिठाया और तुमने तुमने क्या किया? उसी परिवार के बेटे का चरित्र दागदार कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुमको ऐसा करके मामूली? वही तो, आप ही बताइए माँ जी कि मुझे क्या मिल जाता? एक औरत के गर्भ से होने की बात कितने दिनों तक चुप सकती थी? एक महीना, दो महीना, तीन महीना, लेकिन उतना समय हमारे लिए काफी था अंशुमन जी और सुमन के बीच में बड़ा दरार पैदा करने का। दरार पैदा करने की? हमें बस वही करना था। क्यों? कौन है जो मेरे और सुमन के बीच में दरार पैदा करना चाहता? कौन है वो अमोली? ये सब करने के लिए हमें नंदन बाबू ने कहा था। इन्होंने ही अंशुमन बाबू के खाने में नशे की दवा मिलाई जिससे वो मदहोश होकर हमारे कमरे में आए और ये सब कैमरा में कैद हो गया। दवा के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, वो तो हमारे कमरे में बस बेहोश पड़े थे। ये झूठ बोल रही है। कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो तुम करना चाहते हो। अब जाके सब समझ में आया। इसने पहले मेरे खाना में दवा मिलाया ताकि मैं मदहोश हो सकूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मदहोश उस गलती का तुमने फायदा उठाया। बस अब एक और शब्द नहीं, तुम भी इस गलती की उतनी भागीदार हो जितना नंदन है। तुम तो नंदन की धर्म पत्नी हो ना, तुम जानती हो पत्नी और धर्म दोनों एक साथ जुड़ा होता है।
क्यों? क्योंकि पति चाहे अधर्मी हो जाए, लेकिन एक पत्नी धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ती है। तुमने ऐसे काम के लिए नंदन का साथ दिया? झूठ बोल रही है ये लड़की। पहले झूठी शादी का नाटक करके इसने मुझे अपने छांसे में फंसाने की कोशिश की, और जब इसे पता चला कि मैं इसके छांसे में नहीं आने वाला हूँ, तो इसने बिग बी को अपने छांसे में लिया। इस लड़की का यही पेशा है। बस कर नंदन, वो तो झूठी है ही, तू भी झूठा है। ये जो सुमन को हासिल करने की तेरी जिद है ना, और तेरे मन में मेरे लिए जो नफरत है, उसने तुझे लक्ष्मण से रावण बना दिया है, और रावण सिर्फ हरण करना जानता है। और अगर सुमन को हासिल करने की तेरी जिद तेरे मन में घर कर गई है, तो फिर आज फैसला हो ही जाए। अंशुमन जी, अंशुमन, अंशुमन, अंशुमन जी, क्या कर रहे आप? अंशुमन जी, अंशुमन जी, रुक जाइए प्लीज। अंशुमन जी, अंशुमन जी, प्लीज रुकिए।